हम इंसान भी कितने सेल्फ सेंटर्ड होते हैं। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सबसे ज्यादा सोचने और समझने की शक्ति इंसानों में ही है, और शायद इसी अहम में आकर हम ये भूल जाते हैं कि हम प्रकृति का हिस्सा है, ना कि प्रकृति से ऊपर। काजल का भी एक ऐसे ही व्यक्ति से सामना हुआ जो खुद को प्रकृति के इतना ऊपर समझता था कि उसने बेरहमी से उसके पैर पे दराट मार दी। जब यामिनी जी ने काजल को पहली बार ऐसी हालत में देखा तो उनकी रूह कांप गई और उन्होंने तुरंत हमें फोन किया। काजल को फार्म पे लाने के बाद हमारी टीम के पास उसकी टांग को एम्प्यूटेट करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। ट्रीटमेंट के दौरान काजल को पेन किलर्स और एंटीबायोटिक्स पे भी रखा गया ताकि उसे दर्द भी कम हो और उसके स्विचेस भी ठीक से हील हो सके। सर्जरी के बाद काजल अपनी केनल में सहमी हुई सी रहती थी, पर इतने क्रूर व्यक्ति से सामना होने के बावजूद और एक टांग खोने के बाद भी वो एक टक लगाकर हमारी टीम को काम करते हुए देखती रहती थी। उसके इंसानों के लिए प्यार को हमने तब महसूस किया जब उसे एनरिचमेंट के लिए हमने बाहर ले जाना शुरू किया। वो इतनी प्यारी थी कि उसे सिर्फ ह्यूमन दोस्त चाहिए होते थे। वो पूरा दिन हमारे साथ बैठकर समय बिता सकती थी। सिर्फ तीन टांगे होने के बावजूद भी वो खूब दौड़ती थी और फुल पावर एंजॉय करती थी। जल्द ही उसकी दोस्ती छुई मुई कर्ली और फार्म के बाकी डॉग से भी हो गई। काजल बहुत ही स्मार्ट डॉग थी। वो झट से हमारी बात समझ लेती थी, लेकिन करती वही थी जो उसे करना होता था। क्योंकि हमने उसे अडॉप्शन के लिए भी लिस्ट कर दिया था, तो उसे वैनकूवर में लिलिथ ने एज एन इमोशनल सपोर्ट डॉग चुना था। हम काजल के लिए बहुत खुश थे क्योंकि उसे एक घर मिलने वाला था जिसकी वो हकदार थी। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कोरोना काल में लॉकडाउन की वजह से सभी इंटरनेशनल फ्लाइट्स रद्द हो रही थी। इसी बीच लिलिथ को एक ऐसा डॉग मिला जिसे घर की सख्त जरूरत थी, और काजल का अडॉप्शन कैंसिल हो गया। ये खबर जब हम तक पहुंची तो हम बहुत अपसेट हो गए। लेकिन फिर एक दिन हमारी बात कुल्लू में सुनीता जी से हुई, जो काजल को अपने घर लाना चाहती थी। काजल की स्टोरी ने उनके दिल को छुआ था और वो जल्द से जल्द उसे अपना बनाना चाहती थी। और फिर एक दिन देखते ही देखते काजल उनके परिवार का हिस्सा बन गई। काजल एक लकी डॉग है कि उसे सुनीता जी जैसा परिवार मिला, क्योंकि जो लोग काजल जैसे डॉग्स की मदद करते हैं वो खुद को प्रकृति का एक हिस्सा मानकर जीते हैं, न कि खुद को प्रकृति से ऊपर समझते हैं। ये वही लोग हैं जो पेड़ लगाते हैं, जो पानी बचाते हैं, भगवान के बनाए हुए जीवों का सम्मान करते हैं और उनके प्रति संवेदनशील होते हैं, जो अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल ना कर उन्हें एक अच्छे काम में लगाते हैं। अगर आप उनमें से एक हैं तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए।